भू माफियों नदियों पर कर रहे अवैध कब्जा, शिवसेना ने किया विरोध। आपको बताते चले, शहर में विभिन्न नदियों पर भू माफियों द्वारा अवैध कब्जा मकान बनाकर प्लाटिंग करने के विरोध में शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। इस दौरान शिवसेना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और कहा कि आशुतोष सिटी बिहारन मान नगला में ग्रेस पब्लिक स्कूल के पास जमीन पर अवैध कब्जा है, इस पर हाजी बाबू कब्जा कर रखा है। यहाँ पर अस्थाई कच्ची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जी, मैं अनिल कुमार मिश्र, शिवसेना आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी की इकाई से उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ और आज मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और उस पर प्लॉटिंग करना, कुछ ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं जिन्होंने कि नहर विभाग की जमीन को फन सिटी के पीछे, क्या नाम है इनका, फन सिटी के पीछे इन्होंने बब्बू खाने अवैध निर्माण कराए हुए हैं। नहर विभाग की जमीन पर कच्ची सड़क का निर्माण कराए हैं, इसके साथ साथ में वहां पर 6 दुकानें और मकानें भी बना चुके हैं, साथ में प्लाटिंग भी कर रहे हैं। पहला प्रकरण तो हमारा यह है कि नहर विभाग की जमीन पर इस प्रकार से अतिक्रमण कैसे हो सकता है। कोई भी भू माफिया हो, सरकारी संपत्ति होती है, इसको शीघ्र हमारे जिलाधिकारी महोदय ऐसे भू माफियाओं से मुक्त करा करके नहर विभाग के नहर के अस्तित्व को सजीव करें। दूसरा प्रकरण हमारा है किला नदी। किला नदी पर भी कुछ कॉलोनाइजरों ने अवैध वहाँ पर प्लॉटिंग की हुई है, नदी को संकुचित करते जा रहे हैं। हर वर्ष बरसात में वहाँ पर जलभराव होता है, जिसके कारण से अनेकों बीमारियाँ जन्म लेती हैं और कई गरीब परिवारों के लोग जो इलाज नहीं करा पाते हैं वो मौत का ग्रास बनते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के लिए शिवसेना की तरफ से यह ज्ञापन दे रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर इस पर संज्ञान लिया जाए और इसको मुक्त कराया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले 15 दिन के उपरांत हम यहाँ पर चटाई बिछा करके आमरण अनशन को बैठ जाएंगे।